से जम्मू कश्मीर में आने वाले जितने भी साथी सहयोगी हैं उन सब की चिंता, उन सब के कंसर्न्स को आज भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उपराज्यपाल महोदय श्रीमान मनोज सिन्हा साहब के सामने रखा है। श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से हमने ये गुजारिश की है कि कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काम करते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में हैं और उससे पहले के जो सरकारी मुलाजिम हैं और उनके साथ साथ जो अलग अलग रिजर्व्ड कैटेगरीज में जिनकी सिलेक्शन हुई है, एससीज के हों, एसटीज के हों, पहाड़ी कबीले के हों, एएलसी के हों या पंचायत के जो अकाउंटेंट्स हों, एनएचएम में हों, इन तमाम लोगों की चिंता की जाए, इनको सिक्योर एरिया में डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील हेडक्वार्टर्स में यहाँ सुरक्षित स्थानों पर इनकी पोस्टिंग की जाए और साथ ही साथ एक नोडल ऑफिसर तय किया जाए राज्यपाल भवन में, जो कश्मीरी पंडित और बाकी के माइनॉरिटीज, चाहे वो सिख हैं, जम्मू के डोगरा यहाँ काम कर रहे हों या अन्य लोग हों, उन सभी सरकारी मुलाजमों की वो चिंता करें। और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, अकोमोडेशंस, इन तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से अपनी बात रखी है। जो कश्मीरी पंडितों के विस्थापित समाज से जो सरकारी मुलाजमों के कैंप हैं, चाहे वो शेखपुरा है, वसु है, वो चाहे बड़गाम में है या अनंतनाग में है, जिस भी जगह है वहाँ एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ी है, तो प्रशासन को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने निवेदन किया है कि तुरंत वहाँ का विजिट करके वहाँ काम करने वाले तमाम सरकारी मुलाजमों की हौसला अफजाई की जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। और साथ ही साथ हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से ये भी निवेदन किया है, जो कश्मीर घाटी के अंदर अन्य लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, जो कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के हों या अन्य अन्य डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हों, उनकी भी चिंता की जाए, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की चिंता की जाए। और ये टारगेटेड किलिंग्स जो हो रही हैं, ये जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों के खिलाफ एक दहशतगर्दों की, पाकिस्तानियों की साजिश है। पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया। जिस रोज श्री राहुल भट्ट साहब की निर्मम हत्या की गई, उसी रोज पुलवामा के रहने वाले श्रीमान रियाज साहब, जो पुलिस में एसपीओ थे, उनका कत्ल कर दिया गया, बड़ी बेरहमी से उनको मारा गया। ये सब हमको तकलीफ है। पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर एक शख्स, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीरी है, वो हर एक के खिलाफ है। जिस शख्स के अंदर उपल वक्री का जज्बा है, ये सब उसके खिलाफ। कश्मीरी पंडितों का कहना ये है कि वो इधर सेफ और सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं और वो जम्मू जाना चाहते हैं। उन्होंने एक रेजिग्नेशन ऑफर भी दिया है गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट ने उनको मुस्तर्द कर दिया, ये बोला कि इतनी रहना आपने, ये क्लैरिफाई करें। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में सुरक्षा को लेकर एक विस्तृत बातचीत भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से की है। कश्मीरी पंडित जो यहाँ कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अंदर डर और भय का एक माहौल बना। जिस प्रकार श्रीमान राहुल भट्ट साहब की हत्या की गई, उनके ऑफिस के अंदर जाकर आतंकवादियों ने पॉइंट ब्लैंक से पिस्टल से गोली मारकर उनको शहीद कर दिया। उसके बाद कश्मीरी पंडित समाज हो या अन्य जो हिंदू समाज, सिख समाज, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, उनके मन में एक डर है, खौफ है। और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके दिल में भी डर है। ये तमाम खदशा कंसर्न माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे हैं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो रेजिग्नेशन 350 कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमों ने दिया था, हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने वो रेजिग्नेशन नामंजूर कर दिए हैं। और उन्होंने कहा हम कश्मीरी पंडित समाज के हर सरकारी मुलाजम, कश्मीरी पंडित समाज के
हर एक शहरी, हर एक बशर, हर एक व्यक्ति की हम चिंता करेंगे, सबकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हम सबको मिलकर, चाहे सिविल हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो या पुलिस हो, हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान परस्त आतंकवाद से हमको लड़ना होगा। ये दहशतगर्दी इंसानियत की दुश्मन है। कल कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाके जम्मू में सर्व करेंगे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में सर्व करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पैकेज को बंद करिए क्योंकि अभी तक प्रॉमिसेस हुए हैं, डिलीवरेंस बीजेपी की खास कर कहीं नहीं देखने को। सर, इसमें हो रहा है वो कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनसे मिले, तो क्या लगता है आपको क्यों वहाँ पे नहीं जा पा रहे? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बीजेपी सपोर्ट कर रहा है इन सभी मामलों पर, हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीजें लाई हैं। बड़ी गंभीरता के साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने अधिकांश बातों पर निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कश्मीरी पंडित समाज से ताल्लुक रखने वाले जो सरकारी मुलाजम कश्मीर घाटी में हों, वो पीएम पैकेज के तहत लगे हों या दूसरी किसी योजना में लगे हों, या जो दूसरे माइनॉरिटी हिंदू और सिख डोगरे हों या गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोग, उनको सुरक्षित जगहों पर उनकी पोस्टिंग होगी, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, उनकी सभी विषय, उनकी समस्याओं का सरकार समाधान करेगी। मैं एक बार फिर सबसे ये अपील करता हूँ कि ये मुश्किल वक्त है, जो चिंताएं कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की हैं या बाकी समाज के लोगों की हैं वो बहुत जेन्युइन है। हम सबको मिलकर काम करना है, वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जम्मू का है या कश्मीर का है। ये जो पाकिस्तान प्रायोजित जम्मू कश्मीर के अंदर एक जंग चल रही है आतंकवाद की, इस जंग को हम सब ने मिलकर हराना है, इस जंग से हमने मिलकर लड़ना है, क्योंकि ये जंग जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ है। इसमें हिंदू भी शहीद हो गया तो मुसलमान भी शहीद हो गया, कश्मीरी पंडित भी शहीद हो गया तो कश्मीरी मुसलमान भी शहीद हो गया। ये हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का षड्यंत्र है और हम सब हिंदुस्तानियों को, वो हिंदू है या मुसलमान है, जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हम सबको मिलकर ये लड़ना है। कहा कि युवा क्यों बंदूक उठाते हैं? जरूर जरूर, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि वो कश्मीरी पंडित विस्थापितों के जो पीएम पैकेज के तहत लगे सरकारी मुलाजमों के जो कैंप हैं उनका भी दौरा करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां जाएंगे और उनकी जो जो भी समस्याएं हैं, उनके कंसर्न हैं, उसका समाधान करेंगे। और साथ ही साथ माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा है, ये जो हालात हैं इसको हम सब ने मिलकर लड़ना है, एक होकर लड़ना है। पूंछ में कहा कि युवा बंदूक क्यों उठाता है, इसको भी देखना पड़ेगा सरकार, युवा बंदूक क्यों उठाता है? उमर अब्दुल ने कल पूंछ में कहा कि क्यों उठाता है, कि सरकार को देखना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंता करनी पड़ेगी सरकार। देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की अगर कोई साजिश करता है तो वो पाकिस्तान है। ये बंदूकें कहाँ से आती हैं, ये बम बंदूक पिस्तौल गोलियाँ ये कहाँ से आती हैं, कौन भेजता है, घुसपैठ कहाँ होती है, सीज फायर का वायलेशन कहाँ होता है, बॉर्डर पर LOC पर होता है और वो उस LOC पर होता है जहाँ पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर और LOC कनेक्ट करती है। इसलिए बंदूक पाकिस्तान उठाता है, बंदूक के लिए पाकिस्तान साजिश करता है। आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं? मीरपुर, कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद में लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? इनके बड़े बड़े कमांडर कहाँ छुपे हुए हैं? सलाउद्दीन कहाँ है? हाफिज सैयद कहाँ बैठा है? पाकिस्तान में बैठे हैं जम्मू। इसलिए हिम्मत से श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब को भी कहना चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीरियों का गुनाहगार है और पाकिस्तान कश्मीरियों का कातिल है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, उनकी पार्टी के भी हजारों वर्कर्स पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी की आग में झुलस गए। जम्मू में जो यात्रा बस पे वो जो जल गई, उसमें संकेत मिल रहे हैं कि शायद मिलिटेंट अटैक है ये या सबवर्शन है ये, इसको कैसे देखते हैं आप और यात्रा सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं आप? माता वैष्णो देवी जी के दरबार
जिस बस में आग लगी थी, एनआईए की जांच में ऐसा सामने आ रहा है कि वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक स्टिकी बॉम्ब से धमाके की बात सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा साजिश हो रही है। हमारी सेना, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीर हर प्रकार की साजिश को विफल करेंगे और हम सबको मिलकर पाकिस्तान के इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना है, एक होकर लड़ना है। पाकिस्तान कोशिश करेगा यहाँ मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, खित्तों के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, लेकिन हम पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करेंगे, चाहे वो आतंकवादी साजिश हो या पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हो, नहीं चलने देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम।